आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा भी था काजी और गवाह को साथ लेकर आना, तुम अकेले चले आए। फिजा देखो, तुमने मुझे कॉल की, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन यार ये शादी है, कोई कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। आदर के लिए है, उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, पट्टे सट्टे का रिश्ता तोड़ दिया, अपनी मर्जी से शादी कर ली, और मैं जानती हूँ हमारी शादी भी सुकून से नहीं होने देगा वो। अच्छा पापा रिलैक्स। मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। वहां आजर अपनी बीवी को मान दे रहा था, वो दोनों जीने मरने की कसमें खा रहे थे, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि उन दोनों की खुशियां खाक में मिल जाए। क्या हुआ? दादी मैं सोच रहा हूँ अम्मा को ले जाऊँ, तसल्ली हो जाएगी ना, फिक्र कर रही है। बस बस बेटा बस, मुझे अभी कभी जाना है बेटा, जाने दे मुझे, जाके तो देखूं हुआ क्या है। जमाल भाई बस बेटा बस बस, मुझे फोन करके बता देना। अम्मा फिजा अगर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ से ले भी जाऊँ ना, तो तुम्हारे भाई भाभी यहाँ तक अम्मा की जिंदगी में ना कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा इस घर का दरवाजा ना तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिजा बात तो तब है ना कि तुम इसी मैदान में खड़े होकर खेलो और उन लोगों को हरा दो। मुझे क्या करना चाहिए? जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करती जाऊं। मोहब्बत करता हूं तुमसे तो मैं हारने नहीं दूंगा। हाँ कौन हो सकता है? हाजिर तो नहीं है क्या? आजर तुम तो कह रही थी तुम कोई बहाना कर निकली हो। करना तो यही था, लेकिन मैं गुस्से में तेजी से निकली थी और तो तुमसे बात करने के बाद फोन बंद हो गया। आजर बाइक देख रही तो मसला हो जाएगा, शक हो सकता है उसे। कैसा शक? मैं उससे कह दूंगी कि तुम मेरी दोस्त के भाई हो। क्या तो उसका भाई? यार अगर आज उसने तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मेरा मतलब 12 साल पहले उसने हामिद के साथ तुम्हें देखा था ना, और आज मेरे साथ तो यार तुम्हारे किरदार पर उंगली उठ सकती है। फिजा तुम छत पे चुप जा, चुप जा। नहीं, नहीं, नहीं। वो छत पे जाता है, मेरे कमरे में जाओ, इधर जाओ। तुम बेल तुमने बजाई थी? जी हाँ बाजी, इतनी बार बेल बजाई मैं तो समझा कोई नहीं ये खीर भेजी अम्मी ने। अच्छा अम्मी को शुक्रिया कहना, ठीक है? ठीक। वसी वसी आ जाओ, वो मोहल्ले का लड़का था, खाना लेकर आया। तेरा शुक्र। अच्छा हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना है। हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कॉल करूंगा कॉल। आपा
और तुम ठीक तो? अब ये क्या हरकत है, बगैर बताए घर आ गई, अपना फोन भी बंद कर दिया। कितना परेशान हो रहा था मैं, कैसे कैसे वहम आ रहे थे दिमाग। तुम्हें क्या लगा खुदकुशी कर लूंगी मैं? इतनी बहादुर होती तो क्या ही बात थी? मैं तो बस अपनी बेइज्जती पे रो सकती हूँ। या सगे और सौतेले के बीच में घुट घुट कर जीने की कोशिश कर सकती हूँ। और मेरी जिंदगी में है ही क्या आज़र? छोड़ो, माफ कर दो। सबने देखा तुमने मेरे साथ क्या किया। जब मैं इस खानदान का हिस्सा ही नहीं हूँ तो वहां खड़े रह के क्या करती? पहले ही मेरी कोई हैसियत नहीं थी और अब पलवशा आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तुम बेहद अजीज हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, कैसे क्यों दिलाऊं? मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, इज्जत और मान चाहिए, दे सकते हो? चाहिंदा, मैं इन सब बातों का बहुत ख्याल रखूं, भी तुम मेरे साथ चलो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं वहां नहीं जा सकती, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती मैं। अच्छा तो फिर मैं जाता हूं, अम्मा को अलवशा को ले आता हूँ, अपना ख्याल रखना। लोगों की जब माएं मर जाती है ना तो जिंदा रहने का और ख्याल रखने का मफहूम ही बदल जाता है। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे। काम इतना कहां रह गए थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठाया। वो लड़की वाले आए और आकर चले गए। अब वो फोन साइलेंट था, पता नहीं चला। और वैसे भी अब्बा, मुझे ना ये तुम्हारी पसंद की भी लड़की से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तेरी पसंद को बड़ा अच्छा जानता हूं मैं। वो फुकरे जफर अहमद की बेटी पलवशा, बदला लेना था सो ले लिया, और पूरे 8 लाख रुपए ना आपके हाथ में रखे हैं। इसीलिए उस जख्म को नहीं छेड़ा मैं, वरना दिल तो करता है जफर अहमद की ऊंट सींट बजा दूं मैं। ऊंट सींट तो अब भी बजेगी अब्बा। हाँ, क्योंकि एक लड़की को पसंद करने लगा। अगर कोई गरीब लड़की पसंद की ना तूने, तो एक भी नहीं सुनूंगा तेरी मैं। अरे अब्बा, खजाने की कुंजी है, खजाने की कुंजी, बाप के स्टोर की वाहिद मालिक, और मेरा बदला पूरा करने में पूरी सपोर्ट करने वाली है। इसकी बात कर रहे वो आज़र नहीं है? आज़र, उसकी बहन फिसा। वो खान स्टोर का मालिक जिसने पलवशा से शादी की है। बाबा वही, उसकी बहन मेरी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई है कि वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए। तुम पागल तो नहीं हो गए भाई? तुम किन चक्रों में बढ़ रहे हो तुम? फिर उन्हें गरीब लोगों के साथ दोबारा रबते, कुछ रहम करो। कोई भी अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी करो और मेरे कारोबार को संभालो बेटा। कारोबार ही तो बढ़ा रहा हूं अब्बू। 8 लाख वापस आए, आए ना, उसी तरह खान सुपर स्टोर का पहला स्टोर जो है ना वो हमारे पास होगा। हाँ, जो फिज़ा के नाम पर। जितनी तोड़ फोड़ जासर ने मेरे घर में आके की,
उससे कहीं ज्यादा हलचल ना मैं उसकी जिंदगी में बर्पा करूंगा, कहीं ज्यादा। आज़र, ये इंटरमीडिएट की बुक्स और प्राइवेट एडमिशन फॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दें। आपने मुझे सपोर्ट किया था, अब मेरी बारी। पेन किलर होगी जी, आप देते। थैंक यू। अगर चेहरा देखा बुझी बुझी सी, पापा ने आज जो कुछ भी कहा मेरे दिल में तराजू बन गया। माए मर जाए तो जिंदा रहने और ख्याल रखने का मफहूम बदल गया। अच्छा सुनो, पापा की अगर किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाती है तो जो पापा अपने एहसास कमतरी से बाहर निकलेंगे, है ना? हाँ, तो आप एक अच्छा सा रिश्ता देख के उनकी शादी क्यों नहीं करते? मैं नहीं, ये काम तुम करोगी। मैं कैसे, मैं किससे बात करूं? मैं ना तुम्हारी मैडम मिसेस हसन, उनसे पूछो, उनका कोई होगा जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई उनका भाई वगैरह कोई तो होगा। क्या? देखो अम्मा जो रिश्ते लाती है ना वो बहुत ही अजीब बेकार होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, बुढ़े होते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा रिश्ता, मैं चाहता हूँ आपा की किसी अच्छी जगह पर शादी। सर देखे, मिसेज एहसन वो बड़े लोग हैं, हमारा उनसे क्या जो, वैसे भी मैं वहां काम करती हूँ, मैं घर की बात कैसे करूँ? मुझे खुद गर्ज समझेंगे, सोचेंगे कि काम शुरू होते ही पर्सनल हो गई। गर्ज हो नहीं, मगर इस वक्त बन रही हो खुद। गलत समझ रहे हैं। फिर मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह, एक दफा खुद को आपा की जगह पर रखकर सोचो ना, आपा का दर्द महसूस होगा। आज क्या मुसीबत है यार, ये तो पीछे ही पड़ गई है। क्या हुआ फिजा,
सोने जा रहा था। अब अगर पलवशा मेरे लिए रिश्ता लेकर आई ना तो मैं सबको बता दूंगी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, चुप नहीं रहने वाली मैं। एक तो आजर अपनी बीवी से बिजनेस करवा रहा है, ऊपर से मेरी शादी का ख्याल कहां से आ गया उसे? तुम एक काम करो, आजर के दिमाग में ना ये बात डालो कि उसकी बीवी जो पलवशा है ना वो एक वर्किंग वूमेन बन गई है। अब वो आसर को खुद से कमतर समझती है, क्योंकि मर्द अपनी बीवी से कमतर होना कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बाकी काम तो मुझ पे छोड़ दो। 2 महीने में तुमसे शादी करके तुम्हें याद आ वाकई सच, लेकिन सबसे पहले ना तुम्हें अपनी सौतेली माँ से दोस्ती करनी होगी। हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छे। अच्छा चलो अब सो जाओ, और हाँ लव यू। हाँ दाफिस। आप सोए नहीं अभी तक? जो तूने शोशा छोड़ा है उसके बाद नींद आएगी हाँ? और ये तू क्या बात कर रहा था सोतेली माँ? क्या आजर के बाप ने 2 शादियां की थी? जी फिजा आजर की बड़ी बहन है। तो क्या पागल हो गया है? बड़ी उम्र की लड़की से शादी करेगा? कोई तस्वीर है तो दिखाओ मुझे। क्यों? कोई तस्वीर है तो दिखाओ मुझे। जी लाओ। इसलिए पाल पड़ोस के बड़ा किया था कि बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी करेगा तू? ये पसंद किया तूने? और ये पसंद किया तूने जो महबूबा कम और बड़ी बहन ज्यादा लग रही है? 2-3 बच्चों के बाद तो तेरी मां भी लगना शुरू हो जाएगी। पर मैं कौन से इसके इश्क में पागल हो रहा हूं? मैंने तो लंका ढाने के लिए घर ही का भेदी चुना। मुझे तो आसर और पलवशा से इंतकाम लेना है बस। क्या प्लान? अब मेरा कोई भी प्लान आपके बगैर मुकम्मल हुआ है क्या? तो बता। ठीक है। पलवशा क्या हुआ आजर? पलवशा कहाँ है? वो तो सुबह ही चली गई।
चली गई, मुझे जगाया भी नहीं उसने। अब तो इन चीजों की आदत डाल लो तुम आज़र। तुम्हारी बीवी वर्किंग वुमन हो गई है, अपने काम का अलग सेटअप बना लिया है उसने। अब तुम्हारे उठने का, अम्मी के आराम का और घर का ख्याल रखेगी तो आगे से आगे कैसे बढ़ेगी? उसे तो याद भी नहीं होगा कि दो दिन से तुम यही शर्ट और जीन्स पहनकर काम पे जा रहे हो। ये लो बैठो, मैं तुम्हारी नाश्ता बना के ला रही हूं। अरे आप, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही फ्री हूं, नाश्ता भी मैं खुद ही बना लूंगा, तुम रहने दो। अरे बैठो बैठो। एक तुम ही तो हो जो मेरे आंसू पोंछते हो, तो फिर मैं तुम्हारा ख्याल क्यों ना रखूं? बीवी गाफिल हो सकती है, एक बहन नहीं। कितनी खुशकिस्मत है पलवशा जो तुम इससे इतना चाहते हो कि उसकी खामियों पे नाराज भी नहीं होती। अब किस्मत तो हम जैसी लड़कियां होती हैं जिन्हें ये खुशियां ही नसीब नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूं। देर लगा दी भाई तुमने। मैडम कल की फ्लाइट से एक महीने के लिए दुबई गई। हाँ, और चेक पे साइन करना भूल गई होंगी, यानी पिछला चेक भी नहीं मिला। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। नहीं अब्बा, 3 लाख रुपए का चेक मिल गया। वेरी गुड। कल कैश हो जाएगा, फिलहाल मुझे अमान भाई की वर्कशॉप तक जाना। कौन अमान चौड़ा? वो आजर का दोस्त, अब यही कहते हैं उसे। जी, असल में आजर का ट्रक अभी तक नहीं दिखा, तो मैं वो ट्रक खरीदना चाहती हूँ। यानी बाप ने कमरे के मामला तय किए तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था, और अब तुम वो 10 लाख रुपए का ट्रक खरीदोगी? 10 नहीं अब्बा, 8। और मत भूलें, ये वही 8 लाख हैं जो आपने लिए थे। क्या आजर को भी पता है इस बात का? नहीं, आजर की सालगिरह आने वाली, तब मैं उसे ये तोहफा देना चाहती हूँ। वाह भाई, सालगिरह पे लाखों के तोहफे हैं। चलो नसीब अपना अपना, जलने वाले की कोठी काली। अच्छा वो उस अमान चौड़े से ना वो कागज पे कुछ साइन करवा लेना, ये लोग मुकरी जाए वो। अब्बा वो आजर का दोस्त है, क्यों मुकरेगा? बड़ा खुश नसीब है भाई आजर, हैं? ऐसी तुम्हारे जैसी ख्याल रखने वाली बीवी मिले, और एक हमें तो कोई ना मिला। या वो टस में बात ही रही, आहें भरती रही बस। पहले आजर ने मेरा दिल जीता था, इसलिए आज मैं उनके हम कदम। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कभी मेरा दिल नहीं जीता, हमेशा शक ही किए। इस स्कूटर देख के कभी कोई किसी तोहफे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? चलो 1000 रुपया पेट्रोल ही डलवा देना, इतने पैसे तो रिक्शे का किराया दे के भी चल जाती हो तुम। आजर, कल फिजा तकरीब छोड़ के घर आ गई थी, और आज सुबह ही सुबह पलवशा मुंह उठा के चल दी। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, कोई मुझे भी बता दे, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं अम्मा, सब ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा भाई, हेलो। पापा तुम स्कूल नहीं गई? मैंने सोचा है जॉब छोड़ दूं, कल जाके ना इस्तीफा दे दूं। मगर क्यों? क्या बात है, नौकरी तो बड़े जोश से शुरू की थी तूने, अब क्या पढ़ाया नहीं जा रहा? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन नहीं चाहता जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे,
लेकिन मैं घर में बड़ी भी तो हूँ ना, तो अपनी जिम्मेदारियों से तो गाफिल नहीं हो सकती। क्या मतलब, कौन सी जिम्मेदारी? आजा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने यही सोचा था कि पलवशा घर आएगी, अम्मा को भी देख लेगी, घर भी संभाल लेगी, लेकिन वो तो 8-8 घंटे घर से बाहर रहती है ना, और अम्मा की भी इतनी उम्र नहीं है कि वो अकेले रहें और घर का भी सारा काम करें। शुक्र है, देर से सही, माँ का ख्याल तो आया तुझे। अम्मा, मैं जबान की तल्ख हूँ लेकिन दिल की बुरी नहीं हूँ, और आपका ख्याल तो मुझे हर वक्त रहता है। मैं ना खाना बना देती हूँ और फिर चलते बाहर, कपड़े वपड़े खरीदते हैं, बड़े दिन हो गए। वैसे से कह दूंगा बुला देगी। आज़र, तुम्हारी बीवी अब सिर्फ एक दुकानदार की बीवी नहीं है, वो अपनी मैडम की तरह एक कामयाब औरत बनना चाहती है, उसे उसका काम करने दो। अम्मा, आप मेरे साथ चलिएगा। चलूंगा। अरे खाना, तू नाश्ता कर। अरे पसंद के अंडे बनाए। अरे आप, आपको तो इस वक्त दुकान पर होना चाहिए। यहाँ कैसे? पूछने आया था तुमको। अगर मैं किसी बात पर तुमसे रूठ जाऊं तो तुम मना नहीं सकती मुझे? रूठने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, मनाने वाला 100 जतन कर सकता। वजह है? बिल्कुल वजह है रूठने की। तुमने सुबह मुझे जगाया नहीं, नाश्ता भी नहीं बनाया, और अकेली आ गई। क्या मैं ना गैर-अहम हो गया तुम्हारे लिए? मैंने जो किया वो मेरा रद्द अमल था। आपका तो रात से मूड खराब है, साफ लग क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं? पागल हो गई होगी तुम? इतनी भाग दौड़ तुम्हारे साथ करने के बाद तुम ये कह रही हो कि मैं ये जाहिर कर रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ? तू मेरी बात समझने के बजाय ये क्यों कहा कि मुझे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है और मैं आपा का दर्द नहीं समझूंगी? मैंने सिर्फ आपको पढ़ाई का कहा था आज, लेकिन ठीक है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो रहे मैट्रिक पास, और जहां तक रही आपा की बात तो मैं गई थी मैडम के ऑफिस उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो दुबई गई जब तक उनका सारा काम उनके भाई सुपरवाइज करे। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे खुलूस पे शक है तो खुद जाकर उनके असिस्टेंट से पूछ लीजिए। सारी मुझे अपनी गलती का एहसास है, हो गया है, लेकिन जब भी मैं आपा की रुकनियों के बारे में सोचता हूं तो उनसे नजरें नहीं मिला पाता। कोई बात नहीं, हम परेशान हैं, मैडम आ जाए तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी और अच्छे से अच्छे रिश्ते के लिए भरपूर कोशिश करूंगी। तुम्हारे घर आए कुछ पूछोगी नहीं? खाने पीने को क्या खाएंगे? कुछ नहीं बना दू, ठंडा खा के। सामान वहां से लेकर आना है, महे ठीक है? नहीं, अरे 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 अ
देख जरा कब बकत गारत कर दिया अल्लाह से अभी मुझे आज़र ने नया मोबाइल दिलाया था मेरे साथ वो लड़का भाग रहा उसके पीछे आज़र ने कहा था मुझे कि शॉपिंग के लिए नहीं जाओ अरे इतने का तो सामान भी खरीद था जितना मेरा नुकसान हो गया अरे अम्मा उसने चोर को पकड़ लिया चोर तो मैं पलवशा के साथ ही चली जाती अरे उसने तो पकड़ लिया उसे अबे रुक अबे ओ नो ओ भाई उसके मार भी रहा है क्यों भाग रहा था वशी चाचा ने बोला था भाई माफ करो अरे भाई माफ करता हूँ दे पर्स अरे बैग ले लिया और पर्स अरे बाकी ले लिया अरे मेरे पर्स भी ले लिया भाई अल्लाह मैं क्यों नहीं गया मेरे बड़ा भला भला चाहिए था क्यों कह रही हो तू अम्मा इतने भले लोग नहीं होते मैं तो जान ही निकल गई थी आप ठीक हो ना मैं ठीक हूँ हाँ हाँ सर ठीक कह रहा था ये नहीं जाओ मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे अम्मा वापस आ गया ना आंटी ये आपका पर्स अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा हालात में बहुत खुश रखे मेरी तो जान अलग में अटक गई थी कसम खुदा की अरे जीते रहो खुश रहो अब आइए मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है शुक्रिया हम चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वो चोर चक्के इधर ही कहीं घूम रहे हैं मुझे भरोसा नहीं है इन पर लेकिन आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मैं बाहिफाजत घर ड्रॉप कर दूंगा अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम्हारी शराफत तो हमने अभी अभी देखी है अल्लाह बहुत खुश रखे तुम्हें तो फिर आइए ना गाड़ी यहीं पास में आई हाँ आई एंटी ये चाय बिस्किट सबकी क्या जरूरत थी इतने तकल्लुफ की अरे बेटा तकल्लुफ कैसा हाँ तुमने भी तो हमारी इतनी बड़ी मदद की है लो ना वैसे सच कहूँ ना तो मेरी मान लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ अगर मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती अरे अल्लाह तुम्हारी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे बेटा बस तुम ये समझ लो कि आज से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ वैसे नाम क्या है तुम्हारा पसी पसीना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है शुक्रिया बेटा करते क्या हो अबू का बिजनेस है बस उन्हीं के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाते बात कुछ हुई क्या आप और ये आपकी बेटी इस पूरे घर में अकेले रहती हैं अरे नहीं नहीं बेटा मेरा बेटा और मेरी बहू भी हमारे साथ ही रहते हैं दोनों काम करते हैं माशाल्लाह से फिजा आज़र से बड़ी है और ये मेरे शोहर की पहली बीवी से है पहली बीवी सौतेली हो माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी आप कमाल हैं आप बहुत अच्छी हैं सच में बहुत अच्छी हैं वरना आज के दौर में ये सौतेली औलाद से इतना प्यार कौन करता है भला हाँ कौन करता है अरे हाँ हाँ वो अम्मा बहुत अच्छी हैं इन्होंने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी बस बेटा अब देखो ना मर के अल्लाह को भी तो जवाब देना है ये तो सच कहा है वैसे माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए आपके घर को क्या खूबसूरत फैमिली है आपकी और आप वाह कमाल हैं आप क्या ही तारीफ करूं आपकी और एक हमारा मैं और अब्बू होते हैं या फिर हमारी तन्हाई कहां जाऊं इससे बात करूं माँ होती तो माँ से बात करता ना अरे तो यहाँ आ जाया करो ना देखो ये तुम्हारा घर है हाँ
और मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आंटी कसम खा के कहता हूँ, आप बहुत आला हैं, कमाल हैं, आप बहुत अच्छी। अरे चाय लो ना, हाँ, और ये बिस्किट भी तो लो साथ। चाय आपके हाथ की क्यों नहीं? शुक्रिया, आपके हाथ की चाय। अरे ठंडी हो गई होगी, मैं गरम करके ला देती हूँ, पीजिए। जी शुक्रिया। वो भी दीजिए। जी ये लीजिए। अम्मा आपको चाहिए? नहीं, मैं ठंडी पी लूंगी। ठीक है।